हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। 2024 आने के लिए कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते बचे हैं। जिनका 2024 में प्री है, आई होप उन सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि यूपीएससी की तैयारी कुछ महीनों का नहीं है, इसके लिए सालों से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। और कंपटीशन एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप साल भर क्लास अटेंड करें, लेक्चर्स देखें और एंड टाइम में कुछ महीनों में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए साल दो साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही है, एक साल का एग्ज़ाम प्रोसेस है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, उसके बाद अगर सिलेक्शन हुआ तो आप आईएएस बनोगे या फिर जो भी आप बनना चाहते हो, और नहीं हुआ तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए अपने समय को सही से यूज़ करें और अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं। जो 2025 में अपना प्री देना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से अपना एक प्रॉपर प्लान बना लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और आपको बहुत कुछ ही पढ़ना पड़ता है। या जो देख रहे हैं, या सभी मेरे क्लास नोट्स हैं जिनमें से बहुत सारे इनकम्प्लीटेड हैं। कोचिंग के दौरान हैंड रिटन नोट्स बनवाया जाता था, पर मैं हैंड रिटन न बना के डायरेक्ट प्रिंट आउट करता था जो दिया जाता था पीडीएफ उसे, और उनमें से जो जिन्हें करेक्शन करना होता था वहाँ पर मैं करेक्शन कर देता था, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स भी होते थे उसमें। यह सभी एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू, यानी कहें तो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक है। तो आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने होंगे और क्लास नोट्स भी पढ़ने होंगे। तो टाइम बहुत कम है और इतने सभी को आपको एक साल के अंदर में ही पढ़ना है। यानी अगर 2025 में अपना प्री देना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, मेहनत के साथ।